हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो राधे बीट्स। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संडे क्यू एन ए में। आपने कमेंट सेक्शन में कुछ सवाल पूछे थे, उनका आज मैं जवाब देने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो में आप तक पहुंचाते रहे। और एक बात फ्रेंड्स की आपके मन में भी कोई भी सवाल है तो हमारे किसी भी वीडियो पे आज के किशोर लगा करके कमेंट कीजिए, तो हम नेक्स्ट संडे आपका भी कोई सवाल होगा तो पिक कर लेंगे। तो आइए चले देखते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल पूछा है स्पाइडरमैन ने। इनका सवाल ये कि भाई ये फोटोज रियल आईफोन के है क्या? तो हाँ मेरे भाई, ये रियल आईफोन 14 के ही फोटोज है। यू नो, जैसे ही आप इसका कैमरा ऐप ऐसे ओपन करते हो, और जो बिना सेटिंग किया हुआ, बिना फिल्टर लगे हुआ जो फोटोज क्वालिटी आती है, वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो ये रियल पिक है इसी आईफोन 14 के। इसका कैमरा क्वालिटी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है, और जितने भी कैमरा कंपैरिजन में करता वो सारे रियल ही पिक होते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल है मोइन उदयन का। इनका सवाल है कि सर, सिम इश्यू है, अपडेट के बाद सिम वर्क ही नहीं कर रहा है। तो देखो मेरे भाई, सिम का इश्यू है आपको तो किसी नज़दीकी मोबाइल शॉप पे जाके आप सिम कार्ड जो रिप्लेस करवा सकते हो, या उसका एक ऑफिस भी रहता है जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ यू नो VI का सिम कार्ड है, तो VI का कहीं पे ऑफिस होगा, वहीं पे जाके आप सिम कार्ड वगैरह जो एक्सचेंज करवा सकते हो। बट आप एक बार रिसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग्स करके देखो, यू नो आपके फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे वैसे सेटिंग्स हो गए होंगे तो वो ठीक हो जाएगा। अदरवाइज अपडेट के बाद ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। बट आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो रिसेट नेटवर्क सेटिंग्स करके देखो, आपकी प्रॉब्लम शायद जो फिक्स हो जाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं अगले सवाल की। तो यहाँ पे अगला सवाल है राकेश का। इनका सवाल ये कि आईफोन 14 का नया कलर आने वाला है क्या? तो हाँ मेरे भाई, एप्पल जो नया कलर लेके आ सकता है, यू नो येलो कलर, ऐसा लीक्स निकल के आए। अब एग्जैक्टली देखते हैं एप्पल कब ये फ़ोन जो लॉन्च करता है, यू नो येलो कलर वाला आईफोन 14। और ये आईफोन 14 और 14 प्लस के लिए होगा, तो लेट्स से देखते हैं कब एप्पल इसको जो मार्केट में लाता है। एग्जैक्टली तो कोई डेट ऐसे फिक्स नहीं कि हाँ कन्फर्म आने वाला है, बट लीक है ऐसी। तो दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल है टेक आकाश शॉर्ट्स का। इनका सवाल ये है कि बेस्ट स्मार्ट वॉच अंडर 2K कौन सा है, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखो आकाश, आपको बेस्ट स्मार्ट वॉच चाहिए तो स्मार्ट वॉच का तो मैं कुछ इतना रिव्यू नहीं करता हूँ, बट मेरा एक दोस्त लिया था नॉइस का, एक आता है नॉइस कलर फिट अल्ट्रा 2, तो आप वो देख सकते हो। मैं लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली मैं इसे चेकआउट कर सकते हो, अमेज़ॉन पे वो अवेलेबल है। अगर आपको पसंद आती है तो वो आप बाय कर सकते हो। जहाँ तक मैं 2-3 दिन यूज़ किया था, मुझे अच्छा लगा था, हो सकता है आपको भी अच्छा लगे, तो आप वो वाला स्मार्ट वॉच जो देख सकते हो, मैं लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, यहाँ पे अगला सवाल है मिश बाह का। इनका सवाल ये है कि सर, मुझे M52 11,000 में मिल रहा है, सेकेंड हैंड है, क्या सही डील रहेगी? हाँ मेरे भाई, सैमसंग गैलेक्सी M52 आप जो ले सकते हो, एक 5G डिवाइस है। मैंने भी ये सैमसंग M52 लिया था, और ये इसको मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने सेकेंड हैंड लिया था 16,000 में, ठीक है? तो आपको 11,000 में मिल रहा है तो एक अच्छी डील में कहूँगा। बहुत ही अच्छा फ़ोन है, अच्छे से वर्क करता है, मैं पर्सनली इसको अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, और ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही सिवाय सेल्फ़ी कैमरे को लेके। यू नो, आप सेल्फ़ी कैमरा चेक करके लेना, फिर हो सकता है आपको इतना अच्छा ना लगे इसका सेल्फ़ी कैमरा, तो आप वो देख सकते हो। और आप ज़्यादा जूम करके फोटोग्राफी करते हो तो इतने अच्छे फोटोज़ नहीं आते इसमें, तो कैमरा आप एक बार चेक करके लेना, फिर ऐसा ना हो कि बाद में आपको उसका कैमरा पसंद आए ना आए। अदरवाइज बेस्ट डील है 11,000 में। तो दोस्तों, बात करते हैं हमारे संडे क्यू एन ए के लास्ट सवाल की। तो यहाँ पे लास्ट सवाल है विनय का। इनका सवाल ये कि आप कौन सा चार्जर यूज़ करते हो, एंड्रॉयड और आईफोन में? तो देखो विनय, मैं ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। जहाँ तक आईफोन की मैं बात करूँ, तो जो मेरे आईपैड के साथ एप्पल का ओरिजिनल चार्जर आया था, वही मैं अभी तो यूज़ कर रहा हूँ। और रही बात एंड्रॉयड की, तो ये मल्टीपल फ़ोन है मेरे पास, तो एक ही चार्जर है जो कि 18 वाट का है, उसमें से 3 फ़ोन एक साथ जो चार्ज हो जाता है, होगा तो कभी उसका रिव्यू करेंगे। तो मैं ये चार्जर यूज़ करता हूँ 18 वाट का एंड्रॉयड के लिए, और एक फास्ट चार्जर है वीवो का, शायद 44 वाट वाला है, वो भी मैं यूज़ करता हूँ। तो एंड्रॉयड तो किसी से भी चार्ज कर लेता हूँ, लेकिन आईफोन का फिक्स ही है, उसका जो ओरिजिनल चार्जर है उसी से ही मैं इसको चार्ज करता हूँ।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का संडे Q&A। आई होप कि आप लोगों ने जो जो सवाल पूछे थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमारे किसी भी वीडियो पे आज के लगा करके कमेंट कीजिए, तो हम नेक्स्ट संडे आपका भी कोई सवाल होगा तो पिक कर लेंगे। और एक बात फ्रेंड्स कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दिए, तो आप डायरेक्टली वहीं पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और फ्रेंड्स आप मुझसे चैटिंग वगैरह करना चाहते हो तो अबाउट में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप डायरेक्टली वहीं पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।